बाबा बेटे हैं, बाबा ऐसा पलटेंगे कि घर पे भी सीमेंट नहीं बचेगा। तो राम राम कहना पड़ेगा ना, तो उससे कहेंगे हम तो भारतीय है। जो मस्जिद नहीं जाते वो अलग विरोधी हो गए। एक बयान बता दूं, अखबार की कटिंग में मंगवा दूंगा, मेरे पे पड़ी भी आईडी पे, कि छोटी स्कर्ट पहनोगे तो बलात्कार होगा, लड़कों से गलती हो जाती है, छोटी स्कर्ट पहनना बंद करो। आज भी छोटी स्कर्ट पहन के बहन निकल लेगी, बेटी निकल लेगी, बहू निकल लेगी। आज छेड़ के दिखाओ ना, बाबा बेटे हैं, बाबा ऐसा पलटेंगे कि घर पे भी सीमेंट नहीं बचेगा, मैं बता रहा हूँ रद्दी भी नहीं बचेगी। अब एक निर्माण ऐसे ऐसे माफिया करके बैठे हैं जिन पे आज नक्शा भी नहीं, ऐसा देखिए हो रहे होंगे। मैं आपकी बात मान लूंगा, मेरी लोहा मंडी, मेरा शहर, मेरी विधानसभा सुरक्षित है, मेरी लोकसभा सुरक्षित है, मेरा कॉलेज सुरक्षित है। मनीषा मैम, आप बताइए, आप कानून व्यवस्था से, कानून व्यवस्था से कार्रवाई हुई? आप इधर आइए, कानून व्यवस्था से कितने संतुष्ट? नहीं, कहाँ कार्रवाई हुई है मुझे बताइए। आतरस में कार्रवाई तो पुलिस की, कहाँ कार्रवाई हुई है? चंद्रशेखर भाई को वहाँ पर जाना पड़ा। भाई तो कहेंगे आप राम के विरोधी हो, आपके भाई है, ये क्या आरोप लगा रहे हैं? वो काहे को राम के विरोधी है? राम मंदिर का क्या कौन क्या? नहीं, जो मस्जिद नहीं जाते वो अलग विरोधी हो गए क्या? क्यों? अरे जो तो आस्था के विषय विरोधी है वो तो नहीं जाते। तो राम तो कड़कड़ में ना, जाते क्यों नहीं है? जाते क्यों नहीं है? अरे जाते क्यों नहीं है? अरे जाते क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? आस्था में जाऊंगा आपको बता के थोड़े जाने क्या क्या व्यवस्था था। आपने सर्टिफिकेट लेके थोड़े जाने, आपने सर्टिफिकेट नहीं लेने आप राम भक्त है? पुलिस वाले की सर्टिफिकेट चाहिए? पुलिस पुलिस सचिव के आदेश पे चली थी, संविधान राजे तो कहना पड़ेगा। और अगर राम राज में कहेंगे तो राम राम कहना पड़ेगा ना, तो उससे बताइए। चंद्रशेखर आजाद पर सवाल उठा दिया, मंत्री वो मंदिर नहीं जाते, क्या कहेंगे आप इसमें? नहीं, चंद्रशेखर आजाद भाई को बुलाए थे ना, सो जाते उनको कब बुलाया बताइए? कितने निमंत्रण भेजा बताइए? निमंत्रण नहीं आएगा तो नहीं जाएंगे। वहाँ घुसने नहीं दिया जा रहा था, आपको मालूम नहीं है? आप बाद में जा सकते हैं, बाद में जा सकते, जाएंगे जाएंगे को नहीं। ये लोग जो है चंद्रशेखर भाई को मंदिर बनाने के लिए कह रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, ये लोगों का कहना है, भाजपा के लोगों का कहना है कि चंद्रशेखर आजाद राम मंदिर नहीं गए। पूरे हिंदुस्तान में कई जगह मंदिर ऐसे हैं, वहाँ दलितों को मंदिर में घुसा नहीं दिया जाता है, मंदिर में घुसा नहीं दिया जाता है, समझ रहे हैं? जब भाजपा के लोग नहीं बोलते इस टॉपिक पे, भाजपा के लोग नहीं बोलते हैं, जब भाजपा के लोग क्यों नहीं बोलते हैं? जब घोड़ी पे जो है दलित समाज के लोगों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है, इस टॉपिक को भाजपा के लोग नहीं बोलते? क्या नाम आपका, नाम क्या? मैं सोनू भारती। अच्छा, अभी ये बताइए कि चुनाव हो रहा है, क्या लग रहा है आपको? पहले ये दलितों की राजधानी हुआ करता था। जी, मेरे भाई दलितों की बात कर रहे हैं, दलितों की राजधानी तो आज भी है, और वोट बैंक चला गया है, वोट बैंक चला गया है। आप देख रहे होंगे, भाजपा का कोई भी प्रत्याशी हो, भाजपा का कोई भी नेता हो, कि अब की बार 400 बार, अब की बार 400 बार, साहब ईवीएम रहेगा तो 450 पार भी कर देंगे। बंगाल में, बंगाल में, बंगाल में 450 पार भी कर देंगे। बंगाल में भी ईवीएम रहता है, बंगाल में भी ईवीएम रहता है, वहाँ सरकार जो है ममता जी की है, वहाँ इनकी चलती नहीं है। यहाँ केंद्र में भी सरकार इनकी है और यूपी में भी सरकार इनकी है, इनका जूता है साहब, ये चल रहा है मामला, ब्यूरोक्रेसी उनकी है, इनको ये कहानी है। आप जो है, आपको इतना विश्वास है, अपने कार्यकाल पर इतना विश्वास है, अपने सांसदों पर इतना विश्वास है, अपने विधायकों पर इतना विश्वास है, तो आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए ना, क्या दिक्कत आती है आपको? बताइए आज हमारा, आप ईवीएम तो चुनाव कहते हैं, बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी ना, तो ये तो विकास कहाँ बढ़ गया? विकास क्या आ रही है? बैलेट पेपर से होने की दिक्कत क्या आ रही है? बताइए भाई, अभी एक मिनट, ये पूरी बात हो जाएगी। अभी इन्होंने कहा है कि जीडीपी ग्रोथ कर रही है, 700-750 परिवारों की जीडीपी ग्रोथ कर रही है। भाई 80 करोड़ लोगों को तुम अनाज दे रहे हो, 80 करोड़ लोग, एक मिनट रुकिए, ठीक है, अनाज दे रहे हो, क्या जरूरत पड़ेगी तुम्हें अनाज देने की? अब अनाज के विरोध में अब भाई हम चाह रहे हैं कि रोजगार दो, भैया मोदी की वैक्सीन थी, ये कहते हैं मोदी की वैक्सीन थी तो क्यों लगवाली भैया? अनाज नहीं देते, ये अन्नदाता, ये गरीबों के विरोधी है, ये गरीबों के विरोधी है, गरीबों के विरोधी है, ये विरोधी है सरकार, एक ही नेता नहीं चल रहा, और किसको ले लोगे? हम दलितों का विरोधी, हम दलित है नहीं, हम तो भारतीय है। अच्छा,
हम भारतीय है, हम भारतीय है। हमें तो लग रहा था कि आप कोई और हैं हिमांशु जी, मुझे तो अब चलो धन्यवाद इनका, इन्होंने स्वीकारा कि आप भारतीय हैं, आप हिंदू हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कह रहे हैं कि ईवीएम खत्म कर दो, इनका मतलब ये है कि पहले लूट खसोट के और जो बूथ कैप्चरिंग होती थी उससे जो जीते थे उससे ही वो जो लोग ये चाह रहे हैं कि ईवीएम खत्म हो जाए, बैलेट पेपरों को बूथ के कब्जे करें और फिर हम जैसे चाहे वैसे हम मतदाता को भगा के। और ये तो आपको भी मालूम है सपा की सरकार में कैसे बूथ कैप्चरिंग होती थी, कैसे बूथ लूटे जाते थे, मतदाता को रोका जाता था, वोट तो डालने नहीं दिया जाता था, बहुत से तो ऐसे थे। हम भी वर्तमान स्थिति की बात करें जहाँ पे इसका बाहुल्य होता था, प्रगति संवेदनशील में करवाते थे। आज सब्जी वाला भी पेटीएम करता है, आज सारा देश आगे बढ़ रहा है। आप हाथरस पे क्या कर रहे थे? मैं हाथरस वाली बात पे एक बात कहना चाहता हूँ। भाई साहब ने कहा कि हाथरस में चंद्रशेखर आजाद ने FIR कराई और लड़की को न्याय दिलवाया। मैं ये पूछ रहा हूँ, दिल्ली में विशेष समुदाय के लोगों ने एक लड़की गर्दन काट के बलात्कार करके उसे फेंक दिया, मां चंद्रशेखर आजाद क्यों नहीं गए वहां? आम आदमी पार्टी की सरकार केजरीवाल सरकार ने भाई साहब तो भाई साहब चंद्रशेखर आजाद कराई हाथरस में, तो यहाँ पे भी तो सरकार हमारी थी, यहाँ पे भी तो सरकार हमारी। हाँ बताइए बताइए बताइए। काम तो जरूरी थोड़ी जाए, जरूरी थोड़ी है, एक ही जगह बेटी हूँ लड़ता, बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन दिल्ली जो है एक सेंट्रल राज्य जैसा है। अब अमित शाह मुख्यमंत्री हो, राज उनकी चलती है, अमित शाह जी की सरकार चलती है, कोई जाएगा नहीं, नेता का नहीं हुआ, नेता को जाने में क्या विपक्ष है? नेता और भी जगह ठीक है। तो लोकसभा 2024 की आहार शुरू हो गई है और समझौता लिस्ट भी बीजेपी की आ रही है, तो ऐसे में माहौल में सियासी गर्मी बढ़ चली है। इसी तरह से हम आते रहेंगे ग्राउंड जीरो के पॉलिटिकल अड्डा में, जहां सियासी बातें होंगी, लोगों के मन की बात होगी, दिल की बात होगी और साथ ही साथ विकास की बात होगी। हिमांशु त्रिपाठी, आगरा।